नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार नेटवर्क के चार ऐसे चैनल्स की जो एनुअल ऑक्शन में डेडे फेडिस पर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं इसका कारण बताऊंगा, साथ ही साथ आप सभी लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये किस वजह से ये चारों चैनल इस एनुअल ऑक्शन में डेडे फेडिस पर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टार नेटवर्क के चार चैनल्स की जिनकी बहुत ज्यादा संभावना बन रही है कि इस बार इनको एनुअल ऑक्शन में डेडे फेडिस पर आना चाहिए। और दोस्तों अगर ऑडियंस की बात माने तो ऑडियंस के हिसाब से भी इन चारों चैनल को स्टार नेटवर्क को डेडे फिडिस पर लाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो डेडे फिडिस यूजर्स हैं वो गांव के इलाकों के हैं, गांव के इलाकों में डेडे फिडिस का यूज ज्यादा होता है। तो अगर स्टार नेटवर्क इन चैनल्स को डेडे फिडिस पर लॉन्च कर देता है तो अच्छी खासी इन चैनल्स को टीआरपी भी मिल सकती है, क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो अभी इन चैनल्स को बिल्कुल टीआरपी नहीं मिल रही है और मुझे नहीं लगता कि इन चैनल से स्टार नेटवर्क को कुछ फायदा हो रहा होगा। तो दोस्तों पूरा प्रूफ दिखाएंगे और साथ ही साथ हर चीज यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहला चैनल है उसकी कि एनुअल ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और डेडे फिडिस पर स्टार नेटवर्क इसको लॉन्च कर सकता है। तो पहला चैनल है स्टार उत्सव। जी हाँ दोस्तों, स्टार उत्सव चैनल काफी दिन पहले और काफी समय तक डेडे फिडिस के साथ रहा है, डेडे फिडिस का हिस्सा रहा है, लेकिन कुछ ब्रॉडकास्टर की दबाव की वजह से 1 अप्रैल 2022 से स्टार उत्सव चैनल डेडे फिडिस को छोड़ के चला गया है पेड डीटीएच पे। और दोस्तों अगर हम अभी की बात करें तो पेड डीटीएच पे स्टार उत्सव चैनल को काफ़ी नुकसान हो रहा है और यहाँ पे इसको अच्छी खासी टीआरपी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अगर इसका जो एक्टिवेशन चार्ज है, जो मंथली चार्ज है, उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों मात्र 1 रुपये प्रति मंथली इसका चार्ज है, महीने का सिर्फ 1 रुपये है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इससे स्टार नेटवर्क को कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता होगा। इसके बाद दोस्तों बात करें जो दूसरे चैनल की, वो दूसरा चैनल है स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट चैनल एक स्पोर्ट का चैनल है और ये चैनल भी डेडे फिडिस पर काफी समय तक रहा है और ट्राई के जब नया नियम आया तो ट्राई के नए नियम के वजह से स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट चैनल डेडे फिडिस को छोड़ के चला गया। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो मंथली चार्ज है वो 19 रुपये है, जो कि एक्टिवेट अगर कोई करना चाहता है एक्टिवेट करेगा तो 19 रुपये उसको महीने का चार्ज देना पड़ेगा। तो इससे मुझे लगता है कि स्टार नेटवर्क को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता होगा, क्योंकि इसका जो टीआरपी है बिल्कुल भी पेड डीटीएच पे इसको नहीं मिल पा रही है। तो इसको भी डीडी फिडिस पर स्टार नेटवर्क को लॉन्च कर देना चाहिए। आपकी तरफ से क्या कमेंट है, क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरे चैनल की। जो तीसरा चैनल है वो स्टार भारत है। स्टार भारत भी काफ़ी समय तक डीडी फिडिस पर रहा है और डीडी फिडिस का हिस्सा रहा है, एक सीरियल का चैनल है और साथ ही साथ यहाँ पे इसको अच्छी खासी टीआरपी भी मिल जाती थी। पेड डीटीएच पे इसको टीआरपी नहीं मिल रही है। अगर इसके हम एक्टिवेशन की बात करें तो 10 रुपये मंथली चार्ज है, अगर कोई इसको एक्टिवेट करवाता है तो 10 रुपये महीने का देना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि स्टार नेटवर्क को इस चैनल से भी कोई ज़्यादा बेनिफिट होता होगा पेड डीटीएच पे। अगर ये चैनल डीडी फिडिस पर आ जाए तो यहाँ पे स्टार नेटवर्क को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चौथे चैनल की, तो चौथा चैनल है स्टार गोल्ड 2। जी हाँ दोस्तों, एक फिल्मों का ये चैनल है और दोस्तों इसका चार्ज भी बहुत कम है, मात्र 1 रुपये महीने का चार्ज है और ये चैनल भी पेड डीटीएच पे चल रहा है, लेकिन पेड डीटीएच पे जब से ये चैनल लॉन्च हुआ है बिल्कुल भी इसको टीआरपी नहीं मिली है और इसी वजह से स्टार नेटवर्क स्टार गोल्ड 2 चैनल को भी डीडी फिडिस पर लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों इससे मुझे नहीं लगता कि 1 रुपये मंथली चार्ज से स्टार नेटवर्क को बहुत ज़्यादा फायदा होता होगा। इसी कारण दोस्तों स्टार नेटवर्क स्टार गोल्ड 2 चैनल को भी एनुअल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करवा सकता है और डेडे फिडिस पर लॉन्च कर सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या इन चारों चैनल को स्टार नेटवर्क को डेडे फिडिस पर लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।